तो फाइनली बहुत दिनों के बाद वैसे हमारी टाटा नैनो कंप्लीट हो चुकी है, बट उसमें साउंड सिस्टम लगाना रह गया था। साउंड सिस्टम तो वैसे उसमें बड़ी आती नहीं है, बट उसमें स्पीकर लगाना रह गया था और जानबूझ के हमने डिले किया था। वैसे कोई बड़ी साउंड सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीकर की ही बात कर रहा हूँ। तो डिले इसलिए हमने किया था क्योंकि थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन था, और जो कन्फ्यूजन था वो अभी सॉर्ट आउट हो चुका। तो वैसे कन्फ्यूजन ये था कि ये वाली जो ट्रे है और ये वाली जो स्पीकर है वो हमारी पुरानी वाली टाटा नैनो की ट्रे और स्पीकर है, और उसमें क्या किया था कि जो स्पीकर साथ में आए थे पुरानी वाली टाटा नैनो में वो ख़राब हो चुके थे। इसलिए हमने हमारे खुद के पैसे से बढ़िया क्वालिटी के ये वाले स्पीकर हमने डाले थे, और ये उसकी कंडीशन थी पूरी टाटा नैनो की पुरानी वाली ट्रे और स्पीकर की। और जब हमने नैनो बेची तब ये हमने ट्रे और स्पीकर नहीं दिए थे, उसको पहले ही बोल दिया था कि हम ट्रे और स्पीकर देने वाले नहीं है। तो उसने बोला ठीक है अभी चलेगा, मैं नई ट्रे डलवा दूंगा और नए स्पीकर डलवा देंगे। तो ये ट्रे हमने रख दी थी, बट अभी जो हमने नई जो टाटा नैनो ली है उसके साथ भी अच्छे से ट्रे आई है और अच्छे वाले स्पीकर आए हैं। तो ये रही उसकी ट्रे, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में इसकी ट्रे है, पूरी लकड़ी की ट्रे उसने बनवाई थी आफ्टर मार्केट, कट टू कट फिट हो जाती है, बिल्कुल भी आवाज़ करती नहीं है। बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि उसमें उसने जो कंपनी के ओरिजिनल JBL के स्पीकर डलवाए थे कोई बात नहीं, बट उसने अभी छोटे वाले स्पीकर डलवाए थे। और ये जो स्पीकर है साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देती है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है नहीं। तो अभी प्लान ऐसा है कि इसमें जो बड़े स्पीकर लगाए हुए हैं वो स्पीकर इसमें से निकल के ये वाली ट्रे में अपने ये छोटे स्पीकर निकल के बड़े स्पीकर डाल देंगे, और जो छोटे वाले स्पीकर है वो अपने निकल के आगे डेस्क के नीचे अपने अच्छे से फिट कर देंगे। तो क्या आगे दो स्पीकर हो जाएंगे, पीछे दो स्पीकर हो जाएंगे। तो अभी काम यही करना है कि जो बड़े वाले जो स्पीकर है उसको निकालना है और उसमें फिट करना है। बट ये पूरी ट्रे लकड़ी की है और जो माप है जो राउंड है वो छोटी वाली स्पीकर के हिसाब से वो राउंड हुआ है, और ये स्पीकर लगाने के लिए अपने को बड़ा राउंड कटिंग करवाना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं कि ये जो बड़े वाले स्पीकर है निकाल के अच्छे से माप ले लेते हैं, उसके बाद अपने मिस्त्री के पास जाएंगे और अच्छे से ट्रे कटिंग करवाएंगे, उसके बाद अपने स्पीकर फिट करेंगे, उसके बाद अपने गाड़ी में डालेंगे, उसके बाद अपनी साउंड सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। वैसे प्लेयर तो साथ में है ही, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, और नैनो में हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया। ये जो सिस्टम लगाएंगे, ये जो स्पीकर डालेंगे चारों की चार, वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम रहेगी। तो अभी यही काम करते हैं कि अभी माप ले लेते हैं, उसके बाद पहले तो स्पीकर निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने को माप लेना है, तो स्पीकर निकाल देते हैं। बहुत दिनों के बाद गाड़ी चालू कर रहा हूँ, तो एक मिनट चालू रहने देते, उसके बाद अपने निकल दे। वैसे मेरे को ना अभी ठंडी की सीजन है बट गर्मी लग रही है, जैकेट पहना है, जैकेट निकाल दूँ क्या करूँ पता नहीं। तो एक काम करता हूँ जैकेट निकाल ही देता हूँ। जैकेट निकल के रख दिया, दोपहर के 2:30 बजे इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही थी, वैसे ठंडी की सीजन है। फिलहाल अभी ऐसी चालू करनी पड़ी, और बात करते हैं अभी स्पीकर की फाइनली, क्योंकि ये ब्लॉग स्पेशली मैंने स्पीकर की ट्रे को बनाने के लिए मैंने शूट किया था। तो अभी वो ट्रे बन के रेडी हो चुकी है, हमने ट्रे लगा भी दी है और स्पीकर भी लगा दिए, बट जो उसकी प्रोसेस है वो मैंने बता नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था कि वो ट्रे कटिंग करवाने के लिए मैं गया था, बट वहाँ पर वो ट्रे इतनी लंबी थी इसलिए वो कट नहीं हो पा रही थी। मैंने फिर खुद से थोड़ा ट्राई किया, उसके बाद मेरे भाई ने कुछ कटर लगे उसने राउंड कट किया, उसके बाद हमने बड़े वाले स्पीकर लगाए, उसके बाद वो कपड़ा लगाया। तो फाइनली भी लग के रेडी हो चुकी है। तो अब एक काम करता हूँ आगे जाता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक वाला अभी पार्ट चल रहा है तो थोड़ा आगे जाता हूँ, ट्रैफिक कम होता है, उसके बाद अपने सॉन्ग प्ले करते हैं और दिखा देता हूँ कि ट्रैक ऐसी लग रही है। वैसे दिखाई दिया है बट वो बड़े वाले स्पीकर, वैसे मेरे को इतना ज़्यादा ऑडियो का क्लियरिटी वो सब ज़्यादा मेरे को नॉलेज है नहीं, और मेरे को उतने में सॉन्ग वॉन्ग्स प्ले करते नहीं हूँ गाड़ी में, बट एक बार दिखा देता हूँ।
कहीं अच्छे से गाड़ी को खड़ी रखनी हो और अपने को ब्लॉक ब्लॉक बनाना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो साला मुसीबत वाला पार्ट है। एक ग्राउंड खाली है बट उसमें क्या है कि आजू बाजू में थोड़ी फैक्ट्री आए तो नॉइस बहुत आता है, इसलिए वो ग्राउंड पे भी हम जा नहीं सकते। अभी क्या करेंगे, रोड के साइड में थोड़ी गैप मिलेगी तो वहीं पर भी खड़ी कर देंगे और ट्रे बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सामने पूरा ग्राउंड है वो ओपन ही होता है और मैं वीडियो बनाने के लिए मोस्ट ऑफली यहाँ पे आता हूँ, बट इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें अभी आवाज़ें चालू है तो फिर ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और मैं सोच रहा था कि पीछे पानी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है, बट ये बॉटल यहाँ पे पड़ी थी, अपने को पता ही नहीं। और घर वालों भी रख देते हैं वो, उसके बाद गाड़ी में से निकालते नहीं है। फिलहाल अभी जो अपने स्पीकर की ट्रे है कुछ इस तरह की दिख रही है और यहाँ पे बड़े वाले स्पीकर हमने लगा दिए है। स्पीकर में अभी थोड़ी धूल लग चुकी है तभी इसको क्लीन कर देंगे। फिलहाल अभी देखने में कुछ इस तरह का अपने को दिख रहा है। और यहाँ भी क्या है कि इस ट्रे को हमने बहुत ही अच्छे से टाइट करके रख दिया है। तो वैसे हमने ट्रे के साथ क्या किया कि स्क्रू लगा के बिल्कुल ही टाइट कर दिया है बॉडी में, थोड़े चाइना स्क्रू मार के अभी थोड़ा टाइट किया है। अभी ये ट्रे को निकालना हो तो फिर से स्क्रू निकालना पड़ेगा, बट अपने को निकालनी है नहीं। वैसे अपने को ट्रे के नीचे जो स्पेस है उसको यूज़ करना हो तो अपने ये वाली सीट को नीचे करके अपने जगह यूज़ कर सकते हैं। वैसे जगह तो है नहीं, सीएनजी सिलेंडर लगाया है बट सिलेंडर के आजू बाजू में थोड़ी स्पेस रहती है तो क्या छोटी छोटी बैग भी अंदर आ जाती है, बट अपने को वैसे ज़रूर होती नहीं है। और ज़्यादा गाड़ी लेके अभी जाने का कोई प्लान नहीं है, बाइक लेके जाने का बहुत ही बढ़िया प्लान मैंने बना दिया है। और वैसे बाइक के साथ जो ट्रिप होने वाली है उसमें मेरे को दो कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने एक्स्ट्रा कैमरा ले लिया, इंस्टा 360X3 मॉडल ले लिया है। 3-4 दिन हो चुके हैं बट अभी उसको अनबॉक्सिंग करना बाकी है। वैसे मैंने वहाँ पे शोरूम पे अनबॉक्सिंग कर लिया था बट अभी वीडियो के लिए अनबॉक्सिंग करना बाकी है, तो वो अपने कल उसका स्पेशली व्लॉग बनाएंगे क्योंकि मेरे को परसों निकलना है तो कल अपने को सब ना रेडी करके रखना है। मेरे को एक मेमोरी कार्ड भी लाना है, वो सब बाकी मैंने लिख के रखा है कि क्या क्या अपने को करना है, तो कल वो अपना काम सब खत्म करेंगे, कल अनबॉक्सिंग भी करेंगे नए वीडियो में नए कैमरा का। फिलहाल अभी यहाँ पे जो मैंने स्पीकर की ट्रे के बारे में व्लॉग बनाना था तो अच्छे से मैं बना नहीं पाया, बट तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, ये ट्रे में जो छोटे वाले स्पीकर लगे हुए थे उसको हमने निकाल के साइड में रख दिया है। तो अभी मैं प्लान ऐसा कर रहा हूँ कि स्पीकर के माप से एक उसका लकड़े का बॉक्स बनवा दूँ, अलग अलग बॉक्स बनवा दूँ, उस पर अच्छे से लेदर का कपड़ा लगा दूँ और बॉक्स में स्पीकर फिट करके अपने सीट के नीचे या ये डेस्क के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे एक साइड यहाँ पे और एक वहाँ पे लगा दे स्पीकर। तो अभी सोच रहा हूँ बॉक्स बनवाने दूँ या ना दूँ या कुछ उसका अलग जुगाड़ करूँ। वैसे अभी 3-4 दिन से गाड़ी चला ही नहीं है और क्लीन किया नहीं है, तो फिर देखो गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो चुकी है और यहाँ पे अभी धूल धूल लग चुकी है। और इतनी धूल गाड़ी पे लगने का रीज़न ये है कि सुबह सुबह मेरी सोसाइटी में जो रोड है, सोसाइटी के रोड है वो अच्छे से क्लीन होते हैं और थे, बट उसकी जो धूल होती है जब साफ करते हैं उसकी जो धूल उड़ती है वो गाड़ी पे लग जाती है, और मेरी गाड़ी पे नहीं, सोसाइटी में हर किसी की गाड़ी इतनी गंदी रहती है क्योंकि जो रोड साफ करते वक्त जो धूल उड़ती है वो गाड़ी पे चिपक जाती है, इसलिए हर किसी की गाड़ी, हर किसी की बाइक इतनी गंदी रहती है। वैसे अपनी गाड़ी तो अभी थोड़ी क्लीन लग रही है क्योंकि 3-4 दिन पहले मैंने अच्छे से क्लीन किया था, बट जो लोग गाड़ी 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन निकालते नहीं है उनकी गाड़ी तो देखने जैसी हालत में होती नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। और वैसे अभी जो मिरर है, हेड मिरर, वो मैंने अच्छे से क्लीन किया है, बट यहाँ पे देखो अभी आपको पता चल जाएगा तो बहुत ही गंदी हो जाती है। और वैसे अच्छा है कि सोसाइटी हर रोज़ क्लीन होती है बट अपनी गाड़ी गंदी हो जाती है, गाड़ी तो अपने खुद से साफ कर देते हैं। तो फाइनली हमने ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया है, सॉन्ग प्ले कर दिया है और अभी वॉल्यूम फुल करता हूँ। Easy from the start.
फिलहाल अभी क्या होता है कि 55 के ऊपर वॉल्यूम करता हूँ तो थोड़ा थोड़ा स्पीकर फटने जैसा लगता है, बट मैं उतना ज़्यादा वॉल्यूम करता नहीं हूँ, तो अपने 55 के ऊपर जाते नहीं है, उसके अंदर ही अपने सॉन्ग प्ले। वैसे अपने को क्वालिटी वॉलिटी के बारे में पता नहीं है, बट अच्छा अपने को लग रहा है तो दूसरा भी एक सॉन्ग प्ले कर देते। तो फिलहाल अभी तो कॉपीराइट फ्री सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, कुछ सब कंटेंट क्रिएटर ने जो लोगों ने बनाए हैं उनके सब कॉपीराइट फ्री है, तो अभी वो दूसरा वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ। बैटरी थी कैमरा के साथ जो आई थी वो बिल्कुल ही अभी चलती नहीं है, 15 मिनट भी बैटरी चली नहीं उसके, अपने आप ही कैमरा बंद हो गया और मेरे को पता भी नहीं था, और मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। तो साला ये प्रॉब्लम हुआ था, दिमाग ख़राब हो गया। वैसे मैंने कितना बोला क्या आया सब पता ही नहीं चल रहा है, बट कोई बात नहीं, अब एक काम करते गाड़ी साइड में करता हूँ फाइनली। फाइनली कल एक बढ़िया व्लॉग आने वाला है, क्योंकि परसों मैं एक लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ, एक्सपल्स लेके 1500 किलोमीटर की राइड होने वाली है, बट उसकी जो तैयारी करनी है, क्या सामान ले जाना है, क्या कैमरा की एसेसरीज ले जानी है, साथ में कौन सी बैग ले जानी है, वो पैकिंग वैकिंग सब कल वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो कल भी बढ़िया व्लॉग आने वाला है, ये वाला व्लॉग थोड़ा बोरिंग है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा तो चलता है। तो यहाँ पे हमने व्लॉग एंड कर दिया, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर भी क्लिक करना, क्योंकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, बहुत ही बढ़िया व्लॉग होने वाले हैं, और परसों से अपनी राइड चालू होने वाली है, तो वो व्लॉग भी बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, तो अभी उसमें भी थोड़ा जुड़े रहना। तो फाइनली अभी एंड।